तो उसे जरूर करेंगे पीएम मोदी के संबोधन में। वंचित रह गई 20वीं सदी की उन गलतियों को आज 21वीं सदी का भारत उन गलतियों को सुधार रहा है। महाराजा सुहेल देव जी हो, दिन बंधु चौधरी छोटूराम जी हो, या फिर अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, राष्ट्र निर्माण में इनके योगदान से नई पीढ़ी को परिचित कराने का ईमानदार प्रयास आज देश में हो रहा है। आज जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो इन कोशिशों को और गति दी गई है। भारत की आजादी में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने उनके योगदान को नमन करने का ये प्रयास ऐसा ही एक पावन अवसर है। साथियों, आज देश के हर उस युवा को जो बड़े सपने देख रहा है, जो बड़े लक्ष्य पाना चाहता है, उसे राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के बारे में अवश्य जानना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के जीवन से हमें अदम्य इच्छा शक्ति, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली जीवटता आज भी हमें सीखने को मिलती है। वो भारत की आजादी चाहते थे और अपने जीवन का एक एक पल उन्होंने इसी के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने सिर्फ भारत में ही रहकर और भारत में ही लोगों को प्रेरित नहीं किया, बल्कि वो भारत की आजादी के लिए दुनिया के कोने कोने में गए। अफगानिस्तान हो, पोलैंड हो, जापान हो, दक्षिण अफ्रीका हो, अपने जीवन पर हर खतरा उठाते हुए वो भारत माता को बेड़ियों से आजाद करने के लिए जुटे रहे, जी जान से जुटे रहे, जीवन भर काम करते रहे। मैं आज के युवाओं से कहूंगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।